एम्पलीफायर में 2 ओम्स का जो फंक्शन है ये नहीं दिया गया। मैं यहाँ पर भी आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोम लिखा हुआ है, 4 ओम्स लिखा हुआ है और 8 ओम्स लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 ओम्स का जो फैसिलिटी है वो नहीं दिया गया है। तो अब यहाँ पे अब कहाँ पे लगाना है आप लोगों को, घबराना नहीं है कि नहीं बजेगा स्पीकर, ये नहीं होगा। आपको एम्पलीफायर भी पानी के तरह चलेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आज के फिर से एक नए वीडियो में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं बताऊँगा आप लोग को जो डबल बारो वाला जो स्पीकर आता है जिसमें एक बॉक्स में डबल स्पीकर लगा हुआ रहता है, उसको किस तरह से कनेक्शन करना है जिससे आपको लंबी दूर तक जो नाइट के टाइम में अगर बॉक्स आप लोग चलाते हैं तो कम से कम मैं बताता हूँ कम से कम उसका 3 से 4 किलोमीटर दूरी तक आवाज़ जाना चाहिए। तो बहुत सारे भाई को देखता हूँ कि ये आवाज़ नहीं जाता है, नज़दीक में बहुत तेज़ आवाज़ निकलता है, दूरी जाने के बाद आवाज़ को पता ही नहीं चलता है सारा आवाज़ जाता है कहाँ। तो ये प्रॉब्लम अगर आप लोग के भी साथ आता है तो आप लोग ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं इसमें पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा कि आप लोग को किस तरह से कनेक्शन करना है, किस तरह से ओम्स मैचिंग करना है। अगर आप ये जो डबल बारो वाले जो स्पीकर हैं, अगर आप 250 वाट के एम्पलीफायर पे 2 बॉक्स चलाते हैं वो इसी एम्पलीफायर पे आप लोग को ओम्स किस तरह से मैचिंग करना होता है तो मैं आप लोग को आज बताऊंगा। अभी तक हमारा चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगर आप लोग को कुछ सीखना है तो प्लीज कुछ ना कुछ सीख करके जाइएगा। तो इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं बताता हूँ आप लोग को किस तरह कनेक्शन करने के बाद आप लोग को 3 से 4 किलोमीटर दूरी तक आवाज़ जाएगा। आप लोग गलत कनेक्शन कर देते हैं तभी आप लोग को क्या होता है आवाज़ नहीं निकलता है, नज़दीक में बहुत ज़्यादा आवाज़ दिखाई देता है और दूरी जाने के बाद पता ही नहीं चलता ये आवाज़ जाता है कहाँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो आप लोग अगर इस तरह से अगर आप लोग सिस्टम कीजिएगा तो मैं गारंटी दूंगा कि आप लोग को एम्पलीफायर भी ख़राब जल्दी नहीं होगा अगर स्पीकर चलाएंगे तो। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ से आप लोग को समझने की बारी आ गई है। आप लोग अब यहाँ से वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो आज मैं बताऊँगा इस ये जो देख रहे हैं मेरे पास, ये देखिए 2 बॉक्स हैं, इसमें मान चलिए हमने यहाँ पर 100 वाट का इसमें स्पीकर यूज किया हूँ। अब इसको किस तरह कनेक्शन करने के बाद हमारे 250 वाट के एम्पलीफायर पे रन करेगा, क्योंकि 250 वाट के एम्पलीफायर पे देख सकते हैं कॉम आएगा, 4 ओम्स आएगा और 8 ओम्स आएगा। मैं आपको एम्पलीफायर पे भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ओम्स मैचिंग दिया जाता है। तो आपको अगर ये स्पीकर आप लोग चलाते हैं तो इसको किस तरह से कनेक्शन करना है, अगर ये स्पीकर आप लोग कनेक्शन करना सीख गए तो आप लोग 15 इंच का भी स्पीकर कनेक्शन कर लीजिएगा, 18 इंच का भी कर लीजिएगा, कोई सा भी आप लोग के पास अगर स्पीकर होगा तो आप लोग सारा कनेक्शन कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये मेरा एक स्पीकर 8 ओम्स का है, ये भी 8 ओम्स का है। तो मान के चलिए ये एक बॉक्स मेरा, ये मेरा एक बॉक्स 4 ओम्स का है, ये मेरा एक बॉक्स 4 ओम्स बन गया, ये भी मेरा बॉक्स 4 ओम्स बन गया। तो ये 4 ओम्स कैसे बनेगा, तो ये जो 8 ओम्स का एक स्पीकर है और ये जो फिर एक जोड़िए 8 ओम्स का, ये 2 स्पीकर है, तो इसको जोड़ने के बाद क्या होता है 16 होता है। 16 ओम्स ये कैसे होता है, जब आप सीरीज में कनेक्शन कीजिएगा तब ये 16 ओम्स होता है, जब पैरेलल आप कनेक्शन कीजिएगा तो पैरेलल इसको बोला जाता है। आप इस बॉक्स को एक लाल वाला वायर निकालिए और इसको लाल में जोड़ दीजिए, फिर इसको क्या कीजिएगा काला वाला को वायर को निकालिए फिर इसको काला में जोड़ दीजिए, तो ये होता है आप लोग को पैरेलल कनेक्शन। अगर इस तरह जोड़िएगा तो ये एक बॉक्स आपको क्या होगा 4 ओम बनेगा, ये भी बॉक्स आपको 4 ओम बनेगा। तो दोनों बॉक्स को 4 ओम मिला करके अगर 2 बॉक्स चला रहे तो ये बन गया 2 ओम्स, तो 2 ओम्स बन गया। अब इसको कहाँ पे कनेक्ट करना है, यहाँ पे देखिए, यह तो 250 वाट के एम्पलीफायर पे यहाँ पे कॉम दिया रहता है, 4 ओम्स दिया रहता है और 8 ओम्स दिया रहता है, इसमें 2 ओम्स को अवेलेबल नहीं दिया रहता। तो अब इसको कनेक्ट कहाँ पर करना है तो मैं बताऊंगा कि इस पे कहाँ पे कनेक्ट करना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ जो आप लोग को आवाज़ नहीं दूरी जाता है उसको आप लोग किस तरह से कनेक्शन कर देते हैं, इसी वजह से आप लोग को आवाज़ नहीं देता है दूरी तक। और मैं बताऊंगा कि आप लोग को किस तरह से कनेक्शन करना है, तो ये तो आप लोग समझ गए। अब मैं बताता हूँ कि आप लोग को एक जो सीरीज कनेक्शन होता है इससे क्या फ़ायदा आप लोग को होता है या क्या उससे नुकसान होता है। तो ये देखिए मैं इसको हटा दिया हूँ, जब आप लोग सीरीज कनेक्शन कीजिएगा तो ये बॉक्स हो गया 4 ओम्स, ये भी बॉक्स हो गया 4 ओम्स। मान चलिए अगर बॉक्स में आप लोग सीरीज नहीं किए हैं, इस स्पीकर को जोड़ने में आपको सीरीज नहीं किए हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको सीरीज कनेक्शन जब कीजिएगा तो क्या करना है,
यहाँ पे इसको लाल को उठाना है, इसको काला में जोड़ देना है। फिर इसको क्या करना है, ये दो वायर जो बच गया है, ये बच गया है एक लाल वाला, एक लाल वाला और एक काला वाला। तो अब इसको क्या करना है, जब आप सीरीज में लगाइएगा तो चार चार जुट जाएगा, चार चार को जोड़िएगा तो 8 ohms बनता है। 8 ohms बनने के बाद यहाँ पे देखिए 8 ohms यहाँ पे अवेलेबल दिया गया है। तो इसको क्या करना है, काला वाला को आपको सिंपली सीधा कोम में लगा देना है, और ये जो लाल वाला वायर है इसको लाल वाला को सीधा उठाना है और 8 ohms में लगा। ये तो ohms मिल गई, इससे क्या आपको नुकसान होता है, पहले मैं नुकसान बता देता हूँ तब इसके बाद मैं फ़ायदा बताऊँगा। तो इससे जो नुकसान होता है, आप लोग अगर इसी तरह से कनेक्शन करके चलाते हैं तो क्या होता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं बताता हूँ। आप लोग अगर इस तरह से अगर जोड़िएगा स्पीकर, तो स्पीकर तो आवाज़ बहुत अच्छा देगा। कुछ देर चलने के बाद आपको क्या होगा, एम्पलीफायर हीट करने लगेगा। जब एम्पलीफायर आप लोग को हीट करने लगेगा तो क्या होगा, स्पीकर को भी जलाने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, जब एम्पलीफायर आप लोग को हीट करने लगेगा तो स्पीकर की आवाज़ बैठने लगेगी। स्पीकर की जब आवाज़ बैठेगी तो आप लोग को क्या होगा, दूरी तक आवाज़ भी नहीं जाएगा। तो दूरी तक आवाज़ नहीं जाएगा तो यही आप लोग कनेक्शन करते हैं तब आप लोग को 2 से 3 किलोमीटर तक भी आवाज़ नहीं जाता है। तो इस तरह आप लोग को कनेक्शन कभी भी नहीं करना है, आप लोग को ये कनेक्शन आप लोग भूल जाइए। आप लोग या इस स्पीकर के अंदर कनेक्शन कीजिए या बाहर कीजिए, ये कनेक्शन मत कीजिए। ये कनेक्शन बहुत ही आप लोग को हानि पहुँचा सकती है, बहुत ही सामान को ख़राब कर सकती है। तो ये कनेक्शन आप लोग को नहीं करना है। मैं जो कनेक्शन बता रहा हूँ वही कनेक्शन आप लोग एनी टाइम चलाइए, कोई सा भी स्पीकर में, तो मैं गारंटी दूंगा कि आपको स्पीकर भी कभी नहीं जलेगा, ना आपको एम्पलीफायर जलेगी। तो चलिए, आपको जो ये पैरेलल कनेक्शन होता है इसको किस तरह से लगाना है, और इसमें अगर ये कनेक्शन करके चलाइएगा तो आपको एम्पलीफायर भी एकदम पानी के तरह ठंडा रहेगा और स्पीकर भी दमदार क्वालिटी आवाज़ निकालेगा। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो अब इसको क्या करना है, इसको पैरेलल कनेक्शन में किस तरह जोड़ना है। तो इसको क्या करना है, जब ये पैरेलल इसको बॉक्स को अगर पैरेलल को जोड़ते हैं, अगर दोनों स्पीकर को आप लाल को लाल में जोड़े हैं, काला को काला में जब जोड़ेंगे तो ये 4 ohms एक बॉक्स बनेगा, ये भी एक बॉक्स 4 ohms बनेगा। तो दोनों को आप लाल को लाल को इसको आप दोनों को आप पैरेलल फिर कर दीजिए। तो इसको जब एक वायर को इसको और एक वायर को इसको जब जोड़िएगा तो ये कितना निकल करके आएगा, ये भी एक वायर निकल कर के आएगा, और जो ये भी एक वायर निकल कर आने के बाद क्या होगा, इसको एम्पलीफायर में कनेक्ट होगा। तो ये जो कनेक्ट होगा तो फिर ये जो दोनों बॉक्स 4 ohms का है, तो इसको आप 4 को 2 से काटिएगा, सॉरी 4 ohms को 2 से फिर काटिएगा तो ये 2 ohms निकल के आएगा। तो 2 ohms यहाँ पे लिख लीजिए, 2 ohms जो निकल कर के आएगा। तो देखिए, इस एम्पलीफायर में 2 ohms का जो फंक्शन है ये नहीं दिया गया, मैं यहाँ पर भी आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोम लिखा हुआ है, 4 ohms लिखा हुआ है और 8 ohms लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 ohms का जो फैसिलिटी है वो नहीं दिया गया है। तो अब यहाँ पे अब कहाँ पे लगाना है, आप लोगों को घबराना नहीं है कि नहीं बजेगा स्पीकर, ये नहीं होगा, आपको एम्पलीफायर भी पानी के तरह चलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, सबसे ढूंढना है कि सबसे कौन सा कम ohms वाले हैं। तो 8 ohms सबसे ज़्यादा है, 4 ohms सबसे कम है, ये तो आपको अर्थिंग का हो गया। तो ये सबसे जो 4 ohms कम है, तो आपको क्या करना है, ये जो लाल वाला वायर है यहाँ से उठाना है, आपको सीधा आपको 4 ohms में लगा देना है, और ये जो काला वाला तार है इसको भी उठाना है और यहाँ पे कोम में लगा देना है। इस तरह अगर आप लोग कनेक्शन करके चलाते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, नाइट के टाइम में आपको अगर 3 से 4 किलोमीटर तक दूरी तक आवाज़ नहीं गया, तब हमें कमेंट करके बताइएगा कि भैया आप बहुत गलत तरीक़ा से बता रहे हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जब भी कनेक्शन कीजिए तो इसी तरह से कनेक्शन कीजिए, या स्पीकर हो या बाहर का वायर हो, कहीं पर भी इसी तरह कनेक्शन कीजिए। तो इससे आपको बेटर आवाज़ मिलेगा, आपका एम्पलीफायर भी ख़राब नहीं होगा, ना आप लोग को स्पीकर ख़राब होगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद, आप जो अपना आप इतना कीमती समय निकाल करके हमारे वीडियो पर दिए हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग को अगर इस वीडियो में अगर कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें पूछ सकते हैं, और आप लोग को जो भी कमेंट हो, भला बुरा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।